स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स का चैप्टर, साइंस का चैप्टर 13, फन विद मैग्नेट्स। ठीक है, ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम मैग्नेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मैग्नेट। हम सबको पता है आज के लाइफ में कि मैग्नेट होता क्या है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में इतनी सारी अप्लायंसेस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैग्नेट से चलती हैं, मैग्नेट उसमें काम में आता है। तो हम लोग कभी देखते हैं तो देख करके भी, हाँ ठीक है मैग्नेट ही तो ही है, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो लेकिन हम कितना अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया। फ्रिज में हम जब तक हम क्या होता है, फ्रिज ओपन किया और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। क्यों हो जाता है वो क्लोज, क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेट लगा होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और हमें उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्लोज हो जाता है। अलमीराज होती हैं, उसमें भी क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है ना, वो अट्रैक्ट करता है, तो अलमीरा भी हमारी क्लोज हो जाती है। इसके अलावा हमारे ना बहुत सारे घर में ऐसे टॉयज आते हैं जिसमें क्या होता है, टॉयज में भी मैग्नेट हम यूज करते हैं। एंड वो एक पिन देखी होगी जो क्या होता है ना, पिन्स उसमें लगा देते हैं, एक बॉक्स होता है और उसमें क्या करते हैं, पिन्स डालते हैं तो उसमें चिपक जाती हैं, है ना। तो वो वहां पर भी हम मैग्नेट यूज करते हैं। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी डेली लाइफ में। आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन कहाँ कहाँ पर हम मैग्नेट को और जगह पे यूज करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि मैग्नेट होता क्या है ना, फिर भी हम पढ़ेंगे। और फिर अब हम बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि जो हमारा मैग्नेट है ये भाई आया कहाँ से। ऐसा तो है नहीं कि भाई उतर के आ गया, अवतार आ गया सीधा, है ना। तो मैग्नेट कहीं किसी न किसी ने तो डिस्कवर किया ही होगा। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। जो हमारे मैग्नेट थे वो किस तरीके से डिस्कवर हुआ था। तो इसकी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि एक जो एक क्या होता है, शेफर्ड होते हैं ना, जो ग्रेजिंग करवाने के लिए, चराने के लिए ले जाते हैं बकरियों को, भेड़ों को, है ना। तो वो जो शीप्स थी और गोट थी उनको ग्रेजिंग करवाने के लिए शेफर्ड ले जाते हैं, वैसे ही ले जा रहे थे। तो उसमें क्या था, वो जो शेफर्ड था ना उसके हाथ में एक स्टिक थी। तो वो स्टिक तो कैसी थी, स्टिक तो ऐसी थी लकड़ी की, बट उसका जो कोना था ना, उसका जो सिरा था, जैसे कि मान लो ये स्टिक है ना, ये स्टिक के सिरे पर क्या था, एक आयरन लगा हुआ था, ठीक है। अब वो उससे क्या करता था, इंस्ट्रक्शन देता था जो भी शीप्स होती थी, गोट्स होती थी, कि इधर जाना है उधर जाना है, वो जैसे ही होते ही है शेफर्ड के हाथ में। अब क्या हुआ, वो डेली उसी वैसे वो जो स्टिक थी उसको यूज करता था। फिर एक दिन क्या हुआ ना, एक स्टोन सा था, स्टोन पर उसकी वो जो स्टिक थी वो उस पर चिपक गई जा करके, लग गई। अब उसको छुटाने में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ी और थोड़ी मुश्किल हुई। तो उसको ये लगा कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो पता चला कि वो कुछ और चीज़ नहीं है, वो क्या है, वो ही मैग्नेट है। वो क्या कर रहा था, वो जो आयरन सिरे पर लगा हुआ था ना उसको अट्रैक्ट किया और वो वहीं पर जाकर के चिपक गया। तो इस तरीके से तो हुआ जो हमारा मैग्नेट है उस वो डिस्कवर हुआ कि भाई आगे जाकर के फिर और भी चीज़ें पता चली। फिर तो भाई उसकी अच्छे से डिस्कवरी हो गई कि भाई यही मैग्नेट है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो आयरन होते हैं ना उनके पीसेस को यूज़ करके भी मैग्नेट्स को बनाया गया। तो वो जो मैग्नेट्स थे ना, अच्छा मैग्नस से एक चीज़ याद आ रही है, जो शेफर्ड था ना, शेफर्ड का नाम था मैग्नस। तो वो जो मैग्नस था ना, मैग्नस के नाम पे वो जो रॉक था ना, रॉक का नाम भी क्या रख दिया था, वो जो रॉक नहीं क्या बोल सकते हैं उसको, जो मैग्नेट ही था उसका नाम भी क्या रख दिया था, मैग्नस ही रख दिया था। बाद में जो हम जो आयरन के जो पीसेस थे उनको यूज करके क्या बनाया गया, और भी मैग्नेट्स बनाए गए। उन मैग्नेट्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि उसको बनाया गया। बट वो जो स्टार्टिंग में जो नेचुरल मैग्नेट था वो कुछ और नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट आज के टाइम में तो आपने देखे होंगे कितने शेप्स के आते हैं, इस टाइप के आते हैं, हॉर्स के जो पैर होते हैं ना उसमें नीचे लगते हैं, और इसके अलावा इस शेप में भी आता है हमारा, जिसके साइड में राउंड एंड राउंड होता है, एंड सर्कल शेप में भी आते हैं। बहुत अलग अलग शेप में आजकल हमारे जो मैग्नेट्स हैं वो बनते हैं। बट स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, यहीं से, एक कोइंसिडेंस मान सकते हैं, एक तरीके का वो कोइंसिडेंस ही था कि वो शेफर्ड को उसमें चिपक गया। फिर उसके बाद में उसको ये लगा कुछ ऐसा रॉक है जो कि चिपका देता है आयरन को,
फिर डिस्कवरी हुई इस तरीके से हमारे मैग्नेट की। ओके, तो अब हमें ये तो पता है कि जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है आयरन को, दूसरे जो मैग्नेट होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है, एंड इसके अलावा कुछ और भी मटेरियल्स हैं जिसको वो अट्रैक्ट करता है ना? तो कॉपर वगैरह जो होते हैं ना उसको भी अट्रैक्ट करता है आयरन। तो यहाँ पर हम ना एक एक्टिविटी देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा जो मैग्नेट होता है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये एक्टिविटी दे रखी है, उसको ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक तो हमने एक बोर्ड ले लिया है। ठीक है, इस पर हमने एक स्टैंड लगा दिया है। ठीक है, ये स्टैंड में हमने क्या किया है, इस पे इस स्टैंड पर हमने कप स्टैंड पर लगा दिया है, और ये कप हमारा किसका बना है, या तो फिर हम प्लास्टिक का ले सकते हैं या तो फिर हम इसको पेपर का ले सकते हैं, पेपर वाले वो जो डिस्पोजल वाले कप आते हैं वो हम ले सकते हैं। इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक लेट लगा दिया, इसको ढक्कन से ढक दिया, मतलब पूरा कवर कर दिया, और अंदर अंदर क्या किया है, इसके अंदर एक आयरन का ब्लॉक रख, सॉरी मैग्नेट का एक ब्लॉक रख दिया है। अंदर क्या है, मैग्नेट का ब्लॉक है, पूरी तरीके से कवर है, स्टैंड पर लगा हुआ है, मतलब बीच में क्या है, एयर है, कुछ भी नहीं है अटैच में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी पिन ले लो। ठीक है, पिन से क्या किया हमने, एक थ्रेड को बांध दिया और पिन को हमने इस बोर्ड पर लगा दिया। अब ये जो हमारा थ्रेड है ना, अलग से समझाती हूँ। ठीक है, ये तो एक जो हमारा थ्रेड है कुछ भी, अब एक साइड हमने क्या किया इसमें आयरन बांध दिया और एक साइड हमने क्या किया यहाँ पर फिक्स कर दिया। समझ में आ रहा है ना, मतलब थ्रेड लिया उसके एक साइड तो हमने आयरन को बांध दिया और एक साइड हमने क्या किया जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब क्या होगा, जो हमारा आयरन वाला ये वाला जो पार्ट है तो ये क्या करेगा, ऊपर इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मैग्नेट, तो ये क्या करेगा, थ्रेड सीधा ऊपर जाएगा इस तरीके से और कुछ ऐसा बिहेव करेगा, मतलब जैसे कि हम काइट होती है ना बिल्कुल सीधे ऊपर चली जाती है, वैसे यहाँ पर हवा में है, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, लेकिन ये क्या करेगी, सीधे ऊपर जाएगी इसके कांटेक्ट में आने के लिए। तो क्या होगा, बिल्कुल काइट की तरह जैसे उड़ती है ना, वैसे ही क्या होगा, थ्रेड होगा यहाँ पर, लेकिन क्या इसको आयरन क्या होगा, आयरन का जो छोटा सा टुकड़ा है इसको थ्रेड को भी ऊपर लिए जाएगा, लेकिन एक तरीके से फिक्स है तो यहीं पर ही रहेगा। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, थोड़ा सा फनी भी लगेगा देखने में, है ना? तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो भले ही पूरी की पूरी तरीके से कवर्ड है और बीच में क्या है हमारा जो हमारा मैग्नेट है और आयरन है, आयरन के बीच में हमारा कप भी आ रहा है, मतलब कप का जो कागज है या तो फिर जो प्लास्टिक है वो भी आ रही है, फिर भी क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमें ये चीज समझ में आती है कि आयरन जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से, है ना? तो ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसमें जो कि हमारे मैग्नेटिक होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मैग्नेटिक कौन से होते हैं, इसके बारे में। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो मैग्नेटिक हैं एंड कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो नॉन मैग्नेटिक हैं और ये होते क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी थी, जो हमने समझी थी शेफर्ड वाली, जहाँ से हमें ये पता चला था कि मैग्नेट क्या होता है, जहाँ से मैग्नेट डिस्कवर हुआ था, तो उसमें उसके पास में एक स्टिक थी, स्टिक के जो एंड था, स्टिक का जो एंड था ना, उसके वहां पर क्या लगा था, आयरन लगा था, है ना? अब हम मान ले कि ये आयरन नहीं लगा है, आयरन की जगह पे क्या लगा है, एक मैग्नेट लगा हुआ है। ठीक है, उसके स्टिक के जो सिरा है ना वहां पर हमने मैग्नेट लगा दिया। वो जरूरी नहीं कि हम स्टिक ही ले, वो हम हॉकी स्टिक भी ले सकते हैं, हम कोई दूसरी स्टिक भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो एक स्टिक ले लो, साइड में क्या करो मैग्नेट लगा दो। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में चीजें हैं, जो बाहर है, आप स्कूल में है तो स्कूल में क्या करो, सब सारी चीजों को टच करके देखो, फिर आप ये चीज देखो कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि वो जो मैग्नेट है, मैग्नेट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एंड कौन
कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो वेरियस थिंग्स होंगी जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जो कि मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। मान लो आपने वो जो मैग्नेट वाली स्टिक है ना, जो जिसके सिरे पे मैग्नेट लगा है, तो वो आपने एक ये ले लो इस पे किया टच, तो क्या ये क्या करेगा, क्या ये अट्रैक्ट होगा? ये प्लास्टिक से बना है, किससे बना है? प्लास्टिक से। तो अगर आप देखोगे ना तो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो मान लो आपने इसको ना लेकर के एक स्केल लिया, इस तरीके से ना आप क्या कर सकते हो, एक टेबल बना सकते हो और उस टेबल पे क्या है ना कि सारे मटेरियल जो जो आपने सामान घर में है, जहां पर भी आप उसको टच कर रहे हो, वो सारे सामान की लिस्ट बना ली। फिर वो लिस्ट जो जो सामान है वो किस चीज से बना है, कौन से मटेरियल से बना है, तो वो लिख दिया। और उसके बाद में क्या वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं वो लिख दिया। मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया थिंग, ठीक है, कौन कौन सी चीजों को मैं क्या कर रही हूँ, टच कर रही हूँ मैग्नेट से। यहाँ पे क्या लिख दिया, मटेरियल लिख दिया कि कौन सा वो जो चीजें हैं वो कौन से मटेरियल से बनी हैं एंड वो अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, ये फिर हमने लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट मान लो मेरा है स्केल, ठीक है, तो स्केल किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। मटेरियल क्या हो गया इसका, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। तो क्या ये प्लास्टिक अट्रैक्ट करेगा, अगर आप उसको मैग्नेट को टच करोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज मैंने ले ली इसकी आयरन रॉड ले लिया, ठीक है, आयरन रॉड ले ली। आयरन रॉड जो होगी वो किससे बनी हुई होगी, वो बनी हुई होगी आयरन से, तो क्या वो अट्रैक्ट करेगी, हाँ वो बिल्कुल अट्रैक्ट करेगी। नोटबुक ले लो, ठीक है, नोटबुक ले ली मैंने, नोटबुक किससे बनी है, पेपर से बनी है, क्या पेपर आयरन की स्टिक को अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप एक पूरी की पूरी क्या कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, उस लिस्ट से आप ये चीज बता सकते हो कि कौन से मटेरियल जो हैं, कौन सी चीजें जो हैं वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रहा है एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो उसी से ही हमें पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक वो मटेरियल्स होंगे जिसको जो मैग्नेट है अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड नॉन मैग्नेटिक कौन से होंगे, जिसको हमारा जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो मटेरियल्स को हम बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब हम इसमें एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी की बुक में, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस पर ही बेस। तो इसमें क्या है ना कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक ना एक एक्टिविटी दे रखी है, तो वो एक्टिविटी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या है, हमें एक मैग्नेट का बार लेना है, मान लो ये इसका एक पोर्शन हो गया और ये इसका दूसरा एंड हो गया, ठीक है, दो अलग अलग एंड हो गए। अब हम इसको मैग्नेट बार को क्या करेंगे, हम इस बार को जो हमारे घर के आसपास सैंड होती है ना उसमें हम खूब उसको क्या करेंगे, रब करेंगे, इसको हम रब करेंगे। रब करने के बाद में हमें पता चलेगा कि जो भी हमारी सैंड है, सैंड में देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें इंसेक्ट्स भी होते हैं, उसमें अलग अलग आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, क्लोज मिल जाएंगे, पेपर मिल जाएंगे, वेस्ट मटेरियल मिल जाएगा, आयरन भी मिलेगा। तो उसमें क्या है ना, जो आयरन के पीसेस हैं वो क्या करेंगे, इसके जो दोनों एंड्स हैं ना, एंड्स पर जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे। अगर हम उसमें बार 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 उसको रफ करेंगे, तो रफ करने के बाद जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करेगा, जो भी सैंड के अंदर आयरन है ना उसको अट्रैक्ट करेगा और इसके कॉर्नर्स पे क्या होंगे, इसके दोनों साइड्स पर जाकर के चिपक जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हमें क्या करना है, मान लो एक तो हमने कर लिया अपने घर के बाहर, फिर हम स्कूल गए, स्कूल में भी हमने वो मैग्नेट को वहां की जो सैंड है उसमें हमने रब किया, उसमें रब किया, तो फिर इस तरीके से होगा कि जो उसके साइड्स हैं, साइड्स पर जाकर के मिट्टी भी लग जाएगी और जो आयरन है, आयरन भी जाकर के चिपक जाएगी। हम मिट्टी को तो क्या करेंगे, झाड़ देंगे, साफ कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसमें भी आयरन जो है वो चिपक गया है। किसी और जगह पे जाएंगे तो फिर हम रब करेंगे, ऐसे वेरियस प्लेसेस पर हम जाएंगे, अलग अलग प्लेसेस पर जाकर के हम उसको रब करेंगे। रब करने के बाद में हमें क्या होगा, कहीं पर तो हमें आयरन ज्यादा मिलेगा, है ना, कहीं पर तो क्या होगा, हमारा जो आयरन है वो थोड़ा सा कम मिलेगा।
इस तरीके से हम अलग अलग जगह पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर आयरन ज्यादा है हमारे सैंड में, कहाँ पर आयरन कम है, कहाँ पर मटेरियल ज्यादा है, कहाँ पर जो भी ऐसे हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हैं मैग्नेट को, कहाँ पर कम है, कहीं पर ज्यादा मिलेंगे कहीं पर कम मिलेंगे, तो हम ये चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक एक्टिविटी जो हमने की है ना, इस एक्टिविटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो वो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। वो एक्टिविटी कुछ ये है, सॉरी, वो चीज कुछ ये है कि जो हमारे आयरन है ना वो क्या कर रहे हैं, यहाँ जो साइड्स है ना, साइड्स पर ही होंगे, चिपकेंगे, बीच में कोई भी नहीं आ रहा। आप करके देखना, अगर आपने ना किया हो ना तो आप करके देखना, जब आप बार को बार बार रब करोगे ना तो जितने भी आयरन है या फिर जो ऐसे मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, तो ये जो साइड्स है ना साइड्स पर ही चिपकेंगे, बीच में नहीं आ रहे। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए हमें जानना तो जरूरी है, लेकिन वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि साइड्स में जाकर के चिपक रहे हैं, बीच में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल द टाइम, बाय, टेक केयर।